तो मैं हूँ वीके और आप देख रहे हैं वर्ल्ड नॉलेज। आज हम बात करेंगे इलेक्शन डेट की, जो लोकसभा इलेक्शन 2019 उसकी डेट लगभग रिलीज हो गई है, सूत्रों से पता चला है। तो ये लगभग आपके 7 अप्रैल से लगभग इसकी डेट हो सकती है। ये देखिए सामने दिया हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश 9 अप्रैल, असम 7 अप्रैल, 12 अप्रैल और 24 अप्रैल, बिहार में भी दिया हुआ है अप्रैल 10 अप्रैल, 17, 24, 30। और ये बिहार में होने हैं करीबन 5 चरणों में, इसी डेटों में होंगे। ये छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल, 17 और 24 अप्रैल, दिल्ली में एक ही चरण में होगा जो कि 10 अप्रैल को, गोवा में एक चरण में होगा 17 अप्रैल को, गुजरात में ये होगा आपको 30 अप्रैल को, हरियाणा में 10 अप्रैल को, हिमाचल प्रदेश में 7 मई को, झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई को, झारखंड में होगा 10 और 17, 24 को 3 चरण में, कर्नाटक में होगा 17 अप्रैल को, केरल में होगा 27 अप्रैल को, एमपी में होगा 10, 17, 24 अप्रैल को, ये महाराष्ट्र में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, मणिपुर में 9 अप्रैल, 17 अप्रैल, मेघालय में 9 अप्रैल को, मिजोरम में 9 अप्रैल को, नागालैंड में 9 अप्रैल को, उड़ीसा में 10 और 17 अप्रैल को, पंजाब में ये होगा आपका 30 अप्रैल को, राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल, और ये सिक्किम में होगा 12 अप्रैल को, तमिलनाडु में 24 अप्रैल को, त्रिपुरा पे 7 और 12 अप्रैल को, उत्तर प्रदेश में ये फिर से वही होगा 7 चरणों में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई को, उत्तराखंड में 7 मई को, वेस्ट बंगाल में 17, 24, 30 और 7 मई और 12 मई को होगा 5 चरणों में, अंडमान और निकोबार में होगा, आइसलैंड में होगा 10 अप्रैल को, छत्तीसगढ़ में होगा 12 अप्रैल को, दारा और नागर हवेली में होगा 12 अप्रैल को, और ये दमन एंड दीव में होगा 30 अप्रैल, लक्षद्वीप में होगा 10 अप्रैल, ये आपका पांडिचेरी जो होगा वो भी 1 चरण में जो कि है 24 अप्रैल। तो ये आपके इलेक्शन की डेट जो आई है भी, ये आपका लगभग ये 9 अप्रैल से इसकी डेट मिली है। जो भी नया अपडेट आएगा वो आप तक जल्द पहुंचेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।